बिग बॉस सीजन 13 के कुछ आखिरी पल है ये और वहां पर शूटिंग जारी है और एक और इविक्शन हुआ है, चौथा इविक्शन हुआ है। कौन गया है घर से बाहर इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। इससे पहले मैंने आपको तीन इविक्शन बताए थे, एक पारस छाबरा जो मनी बैग लेकर निकल गए थे, दूसरी आरती सिंह वहां पर इविक्ट हुई थी, तीसरी अगर बात की जाए तो रश्मि देसाई का इविक्शन मैंने आपको इससे पहले ही बताया। अब बचे थे तीन लोग यानी सिद्धार्थ शुक्ला, असीम रियाज और शहनाज गिल, और इन तीनों में से वहां पे किन दो के बीच लाइव वोटिंग होगी ये हर कोई सवाल कर रहा था। अब हर जगह वहां पे सोशल मीडिया पे अलग अलग रिएक्शन आ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि सिद्धार्थ और शहनाज गिल टॉप टू में होंगे, कुछ कह रहे थे सिद्धार्थ और असीम टॉप टू में होंगे। लेकिन अब बिग बॉस के सेट से पक्की कंफर्म 100% कंफर्म न्यूज आ रही है और वो न्यूज मतलब शहनाज गिल का वहां पे एविक्शन हो गया है। सिडनाज जो अभी तक एक साथ थे, आखिरी पल तक वहां पर एक साथ थे, वो आप जोड़ी टूट गई है और शहनाज गिल शो से एविक्ट हो गई है। और इस वजह से टॉप टू के अगर नाम देखे जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज, जिनके बीच कड़ी टक्कर वहां पे चल रही है, और ये दो हो गए हैं टॉप टू कंटेस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको वोटिंग ट्रेंड्स, फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स बताए थे, उसी के तहत पूरे के पूरे इविक्शन वहां पर हुए हैं। और फिलहाल ना टॉप टू की बात की जाए तो वहां पे सिद्धार्थ और असीम है। इन दोनों के बीच अब हो सकता है कि लाइव वोटिंग ली जाए, अगर लाइव वोटिंग ना लेते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला क्लियर विनर है, अगर लाइव वोटिंग होती है तो भाई जम के वोट कीजिएगा, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल टॉप टू में है सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज, क्या है आपका कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस पर कोई बड़ी खबर आने के बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे एक्ट राइडर से। धन्यवाद।